दैनिक भास्कर द्वारा चलाया जा रहा पौधे अपने परिजन अभियान लगातार जारी है। अभियान का मकसद जन जागरण करना है ताकि लोग पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ पौधारोपण करें। किसी ने क्या खूब लिखा है कि सांसें हो रही हैं कम, आइए पौधे लगाएं हम। पौधे अपने परिजन अभियान के तहत बुधवार को शहर के 4 स्थानों पर समारोह पूर्वक पौधारोपण हुआ। प्रकृति प्रेमियों ने नीम के पौधे रोपकर सबके लिए मंगल कामनाएं की। सबसे पहले आगा चौक स्थित जानकी रमन महाविद्यालय में कॉलेज स्टाफ द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को मजबूत किया गया। उसके बाद अभियान की बेला में बलदेव बाग के पास स्थित डिसिल्वा स्कूल में भाजपा विधायक सुशील तिवारी और उनके परिजनों द्वारा नीम का पौधा रोपा गया। आज लगभग 10 नीम के पौधों का रोपण किया गया है और जिसमें दैनिक भास्कर परिवार बड़े बढ़ चढ़कर हिस्से के रूप में शामिल हुआ हमारे साथ। निश्चित रूप से आज वर्तमान में आवश्यकता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधे रोपेंगे उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान रख पाएंगे। इसी आशा के साथ देश के और प्रदेश के शहर के सभी लोगों से अपेक्षा है कि दैनिक भास्कर परिवार के इस आयोजन में जुड़ें और बृहद स्तर पर इस आयोजन को और आगे बढ़ाएं। दैनिक भास्कर द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है वास्तव में मानव कल्याण के लिए मुहिम है और इसकी सराहना जितनी की जा सके उतनी कम है। आज लोग सांस के लिए कुछ समय पहले परेशान होते रहे और लोगों को शुद्ध श्वास शुद्ध ऑक्सीजन मिले इसके लिए भास्कर ने जो पहल की है, हम दैनिक भास्कर परिवार को हम धन्यवाद देते हैं और इस स्कूल से हम ये संकनाद करेंगे कि हम लोग इसके पौधारोपण में हम लोग भी कहीं ना कहीं बड़ी हिस्सेदारी बनाकर चलेंगे। कुछ समय पहले हर व्यक्ति एक एक सांसों के लिए लड़ रहा था और ऑक्सीजन के लिए, तो ऐसा कहते हैं कि नीम एंटीबायोटिक होती है, ऑक्सीजन इसमें बेहतरीन होती है और कहीं ना कहीं ये स्लोगन जरूर इसमें सही जाता है कि सांसें हो रही हैं कम, आइए पेड़ लगाएं हम। तो इस मुहिम में मैं भी शामिल हुई हूँ और भास्कर को धन्यवाद देती हूँ कि इनका कारवा ऐसे ही बढ़ता रहे और एक दिन हमारा जबलपुर ग्रीन जबलपुर के नाम से पहचाना जाए। धरती को हरा भरा बनाए रखने की मंशा के साथ डॉन बॉस्को स्कूल और सेंट लॉयसियस कॉलेज परिसर में भी उत्साहपूर्वक पौधारोपण समारोह का आयोजन हुआ और रोपे गए पौधों की परवरिश अपने परिजनों की तरह करने का संकल्प दोहराया गया। आज हमारे स्कूल के प्रांगण में जो नीम का पौधा रोपा गया है इसको हम बहुत संभाल कर रखेंगे और ये एक रिमेम्बरेंस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो दैनिक भास्कर ने जो अभियान चलाया है ये जान है तो जहान है कि तर्ज पर है कहना चाहिए, क्योंकि जान तभी है जब पर्यावरण जिंदा है और पर्यावरण तभी जिंदा है जब पेड़ पौधे हैं। तो पेड़ पौधे और स्पेशली मेडिसिनल प्लांट्स तो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और मुझे लगता है हम सबको इसमें हिस्सेदारी करनी चाहिए, हम सभी को। आप लोगों को सबसे पहले दैनिक भास्कर ग्रुप का बधाई देना चाहूँगा कि जो वृक्षारोपण लगाना एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमारे लिए अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है, आने वाले पीढ़ी के लिए भी अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है। इसलिए इस हमारे पीढ़ी जो है ये काम नहीं करने पर आने वाले पीढ़ी के लिए ज़्यादा दिक्कत आ सकते हैं, इसलिए हमारे ओर से एक नहीं हर व्यक्ति एक न एक पौधा अपने जीवन में लगाकर ना केवल लगाना है उसको देखभाल करना है, जिसे 10 साल के बाद या 20 साल के बाद वो देखे वृक्ष के रूप में वो देख सके। पौधे अपने परिजन अभियान के साथ जुड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभियान के जरिए जन जन तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश हो रही है कि आज पौधे लगाकर हम अपना कल सुरक्षित करेंगे।